शनि मार्गी होने जा रहे हैं 23 अक्टूबर 2022 को। मकर राशि वालों के लिए कैसे स्थितियां बनने जा रही हैं आज मैं उसी विषय के ऊपर बात करूंगी आप लोगों से। शनि किस तरीके से मकर वालों को पिछले 5 सालों से प्रभाव दे रहे हैं ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं। उसके पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को सबसे पहले बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर मेरे फेसबुक की, ट्विटर की और इंस्टाग्राम की लिंक डली हुई है, तो आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी तरह की कंसल्टेशन लेनी हो तो उसके लिए नंबर डला हुआ है व्हाट्सएप का, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मकर जो राशि है अभी इसकी स्थिति काफी दिक्कत में रही है ये राशि, और शनि इनके ग्रह हैं। काफी टाइम से वो वक्री चल रहे थे, जून में 5 जून के करीब ये वक्री हुए थे और अब जा करके वापस ये मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर को रात में। तो बहुत ही रिलीफ की बात होगी, बहुत लोगों को राहत मिलेगी, विशेष रूप से मकर के जितने भी जातक हैं, चाहे मकर राशि के हों या लग्न के। तो आप लोगों को अभी तक साढ़े साती चल रही है, मध्य साढ़े साती आपकी है जो कि अब खत्म होने वाली है, जिसका मध्य पीरियड है सैटर्न का, वो आपको 15-16 जनवरी को निकलेंगी आपके शनि मकर से, और फिर आपके उतरती हुई जो साढ़े साती होती है कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो काफी आपको रिलीफ मिलेगी। थोड़ा सा मैं मकर वालों के बारे में बता दूं कि आप लोगों ने क्या क्या अभी दिक्कतें देखी हैं, क्या क्या आप लोगों ने फेस किया है पिछले कुछ टाइम से। देखिए, साढ़े साती जो होती है सैटर्न की, उसको चंद्रमा से ही देखते हैं, जहां पर आपका नेटल चार्ट में चंद्रमा होता है उससे जब एक घर पहले आते हैं और चंद्रमा के ऊपर से जाते हैं, फिर चंद्रमा के नेक्स्ट हाउस से जब ट्रांजिट करते हैं, तो ये पूरा 7.5 साल का टाइम पीरियड होता है जिसको साढ़े साती के नाम से जानते हैं। तो ये टाइम थोड़ा टफ तो होता है क्योंकि सैटर्न है, कार्मिक प्लेनेट है, और जब ये आते हैं तो बहुत अच्छे से लोगों को बहुत अच्छी टीचिंग दे के जाते हैं, अच्छे अच्छे सर्कमटेंसेस क्रिएट करते हैं, और उसमें जो सारी चीजों को फेस करता हुआ निकलता है, फिर फाइनली स्ट्रगल के बाद लाइफ में सक्सेस भी मिलती है। और ये तो लाइफ है, तो उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन में बने होते हैं। अब ऐसे अगर देखते हैं तो शनि खुद ही मकर के लॉर्ड हैं, कुंभ के लॉर्ड हैं, तो ये कह सकते हैं कि मकर वालों को उतनी दिक्कतें नहीं देंगे। लेकिन फिर भी चूंकि शनि ग्रह चूंकि एक ही राशि में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं, 2.5 साल के करीब एक राशि में रहते हैं और बहुत धीरे धीरे चलते हैं, कभी वक्री हो रहे हैं, कभी मार्गी हो रहे हैं, तो परेशानियां तो देते हैं, इस तरह की सर्कमटेंसेस क्रिएट करते हैं कि व्यक्ति उसमें काफी पजल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो जो मकर वालों के लिए अभी इनकी स्थिति बनी हुई थी, ये वक्री हुए थे जब 5 जून से, तो ये आपके 12th हाउस का रिजल्ट देने लगे थे। तो देखिए, शनि जब भी 12वें भाव का परिणाम देता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक तरीके का आइसोलेशन और एक तरीके का उच्चाटन, हर एक चीजों में दिक्कतें, ये सारी चीजें आप लोगों को फेस करनी पड़ी होंगी। शनि जब अपने से पीछे वाले हाउस का धनु का प्रभाव देने लगे होंगे तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके धन भाव को प्रभावित किया होगा, आपकी वाणी में कुछ इन्होंने कटुता लाई होगी, कड़वाहट, कर्कशता, या ये कह लीजिए कि जो आपका पूरा व्यक्तित्व है, पूरी पर्सनैलिटी है, उसमें एक तरह की नेगेटिविटी डेवलप हुई होगी, आपका आत्मविश्वास बहुत कमजोर हुआ होगा, इरिटेशन आपके अंदर बढ़ी होगी, आपका बातचीत करने का जो तरीका है, टोन है, उसमें कहीं ना कहीं एक बिटरनेस आई होगी। और इन्होंने आपके कुटुंब को भी प्रभावित किया नेगेटिवली, आपके आपके पूरे पर्सनालिटी को प्रभावित किया नेगेटिवली। उसके बाद इन्होंने आपके 10th हाउस को भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव और डिस्टर्बेंस देने का काम जरूर किया है, क्योंकि वक्री स्थिति में जब शनि आए हैं तो चीजों को इन्होंने थोड़ा सा एक तरीके से जो चीजें बनी बनाई भी रहती हैं उसमें भी एक खलल तो पैदा किया ही है। लेकिन जब ये 23 तारीख को मार्गी होंगे अक्टूबर में, तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। अभी आपके लग्न स्थान पे काफी मजबूती के साथ में
आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जब ये आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके आपके अंदर भी काफी आत्मविश्वास आएगा, आप काफी अपने आप को एनर्जेटिक फील करना शुरू करेंगे। और चूंकि ये लग्न स्थान में जब मार्गी होंगे तो इनकी जो सातवीं दृष्टि आपके कर्क राशि सप्तम भाव पे जा रही थी, जहां इन्होंने आपके व्यापार को, आपके दाम्पत्य को भी खराब करने का काम किया होगा, या जो आपकी स्वयं की प्रकृति है वो इतनी नेगेटिव हो गई, उसमें इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर गई कि आपका जो पार्टनरशिप है, जो आपकी मैरिड लाइफ है, उसमें भी कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को जरूर मिले होंगे। अभी मार्गी होंगे तो आपके अंदर काफी स्ट्रेंथ देंगे, आपका कॉन्फिडेंस ये वापस लेकर के आएंगे, या आपके थर्ड हाउस से संबंध बनाएंगे तो आपके अंदर जो मेहनत, पराक्रम, एक ऊर्जा होती है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। सेवेंथ हाउस के ऊपर ये सीधे दृष्टि डालेंगे तो वहां पर आपके बिजनेस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, आपके दाम्पत्य से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वो उसको ये सुधारने का काम करेंगे, उसमें एक मजबूती देने का प्रयास करेंगे। आपके टेंथ हाउस से ये आस्पेक्ट डालेंगे तो आपका जो प्रोफेशन, उसमें जो भी दिक्कतें रही होंगी उनको भी ये सॉल्व करने का काम करेंगे। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जब शनि मार्गी होंगे तो मकर वालों को आपके स्वास्थ्य में, आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यवसाय में, बिजनेस में, आपकी मैरिड लाइफ में और आपके प्रोफेशन में, इन सारे क्षेत्रों में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, जब लग्न का लॉर्ड ही वक्री हो जाता है तो कहीं ना कहीं स्थिति कमजोर हो जाती है या थोड़ी सी उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। ग्रह शनि जो है वैसे ही बहुत स्लो चलते हैं और जब ये वक्री हो जाते हैं तो इनकी जो एक्टिविटीज हैं, जो इनका काम करने का, इनका रिजल्ट देने का तरीका है, उसमें भी बहुत ज्यादा धीमापन आ जाता है, उसमें भी बहुत ज्यादा चीजों को डिले करने लगते हैं। अब ये मार्गी होंगे तो बहुत सी चीजों को आपके ये सपोर्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये बीच की जो साढ़े साती है वो खत्म होने की ओर बढ़ रही है। जब भी 15-16 जनवरी को कुंभ में जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा रिलीफ देखने को मिलेगी। गुरु ग्रह भी आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं और वहां से बैठ करके ये आपके व्यापार के भाव को, बिजनेस के भाव को, सप्तम भाव के, आपके भाग्य भाव को और आपके इनकम के भाव को देख रहे हैं। हालांकि गुरु अभी वक्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो उन्होंने आपके थर्ड हाउस में बैठ करके कम से कम आपके व्यापार को, आपके दाम्पत्य को, भले ही वो वक्री हैं तो क्या हुआ, फिर भी चूंकि शुभ ग्रह है तो कुछ ना कुछ उन्होंने सपोर्ट किया है, स्ट्रेंथ दी हुई है। अब जब राशि लॉर्ड शनि मार्गी होंगे तो इनकी भी मदद मिलने लगेगी, राशि लॉर्ड स्वयं को भी काफी मजबूती से काम करना शुरू कराएंगे तो आपके व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाएंगे, मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को सुधारने का काम करेंगे, मेहनत पराक्रम ये बढ़ा देंगे और गुरु भी इनको काफी सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो मकर वाले हैं, शनि जब मार्गी होंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सी चीजों के बदलाव आएंगे, पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ अभी आपके फोर्थ हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं, जहां पर आपकी मेष राशि होती है, तो केंद्र स्थान में देखा जाए तो राहु का अच्छा रिजल्ट होता है और आपके नेटल चार्ट में अगर मंगल अच्छी स्थिति में होंगे तो ये जो राहु आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, ये आपके लिए आपके प्रोफेशन में, आपके विदेशों से जुड़े हुए जो कार्य कलाप हैं, क्रिया कलाप हैं वहां पर, और आपके निर्माण से संबंधित जो चीजें होती हैं, कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, जमीन जायदाद है, जो आपका प्रोफेशन है, इन सारी चीजों में ये राहु आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि केंद्र स्थान में आए हुए हैं पिछले 6 महीने से, तो ये भी अब आपको सपोर्ट देंगे, क्योंकि राशि लॉर्ड जब मजबूत स्थिति में आएगा तो आपके चार्ट में जितने भी ग्रह बैठे हुए हैं अभी प्रेजेंट ट्रांजिट में, वो भी आपको आपके पक्ष में जाना शुरू होंगे। तो आपको इस तरफ से देखा जाए तो शनि जैसे ही मजबूती में जा रहे हैं तो आपको राहु का भी साथ मिलेगा, गुरु भी आपको अच्छे से सपोर्ट करना शुरू करेंगे, फिर गुरु अप्रैल में जब मार्गी होंगे तो उनमें और भी ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी, तब वो आपके व्यापार की और भी अच्छे से वृद्धि करेंगे, आपके दाम्पत्य को, विवाह को भी कराने के रास्ते खोलेंगे। जितने मकर वाले लोग हैं इस टाइम पीरियड में, जब शनि मार्गी होगा और गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, तो ये सब मिलकर के आपके व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाएंगे, आपके लिए विवाह के रास्ते खोलेंगे, आपको आर्थिक लाभ देंगे, भाग्य वगैरह की वृद्धि करवाएंगे। और अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं मकर वालों के लिए, आपके बाकी जो ग्रह हैं अभी तुला राशि में चल रहे हैं, जहां पर केतु हैं और
सूर्य भी अभी आ जाएंगे वहां पर, शुक्र भी आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर के मकर वालों के लिए काफी रिलीफ मिलने जा रही है। आपको जो 7.5 में जो दिक्कतें रही हैं, या पिछले 5 साल से जो आपकी लाइफ में एक उतार चढ़ाव, एक उठापटक बनी हुई है, उन सारी चीजों से अब आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। धीरे धीरे करके आपकी जो लाइफ है वो पटरी पे जाना शुरू होगी, या चीजें आपके लिए धीरे धीरे करके एक शेप लेना चालू करेंगी। जो कुछ भी आपने पिछले टाइम से स्ट्रगलिंग फेज में चीजों को लूज होते हुए देखा है, वो सारी चीजें अब आपके धीरे धीरे करके आपको सपोर्ट देंगी, आपको इस्टेब्लिश करने का काम करेंगी। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं मकर वालों को थोड़ा सा हिंट करूं कि अब जब शनि मार्गी हो रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या नए नए रास्ते खोल सकते हैं। तो अब आप पूरी ऊर्जा से, पूरी हिम्मत से, पूरी पॉजिटिविटी से अपने आप को स्टैंड करिए, और नए सिरे से आप अपने आप को इस्टेब्लिश करिए, क्योंकि ये तो लाइफ है और चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन उससे कोई लाइफ तो खत्म होती नहीं है। चीजें अपनी जगह चलती रहती हैं, लेकिन आप अपनी हिम्मत को फिर से वापस अपने अंदर पैदा करिए और सारी चीजों को आप समेटने का काम करिए। प्लेनेट अब आपको सपोर्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो बड़े ग्रह हैं वो काफी अच्छी स्थिति में हैं। शनि भी लग्न स्थान पर अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। शश नामक राजपुरुष योग भी बना रहे हैं, महापुरुष राजयोग, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। ये तरीके से कह सकते हैं कि जो आपने पिछला टाइम सहा है, एक तरीके के आइसोलेशन में, एक तरीके का जो आपका इंसल्टिंग फेस रहा है, या जो एक फेल्योर का टाइम पीरियड आपने देखा होगा, अब शनि आपको स्थापित करने का काम करेंगे, क्योंकि वो अपनी ही जगह पर आकर के अपने आप को जब मजबूती में लाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी वो फिर से आपकी जितनी आपकी लॉस्ट हुई चीजें हैं वो सब आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आप उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर हिम्मत ऊर्जा भरिए, क्योंकि अप्रैल के बाद जब ये गुरु आपके मार्गी हो जाएंगे, और मार्गी होने के बाद जब ये आपके मेष राशि में प्रवेश करेंगे, देखिए गुरु तो मार्गी हो जाएंगे नवंबर में ही, 24 नवंबर के करीब गुरु आपके थर्ड हाउस में पराक्रम के भाव में मार्गी हो जाएंगे, और अप्रैल में ये आपके प्रवेश करेंगे चौथे भाव में, जहां पर आपके अभी ट्रांजिट में राहु चल रहे हैं। तो चौथा जो गोचर होगा गुरु का वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि सुख के भाव में गुरु आएंगे तो ये आपके सुखों की भी वृद्धि करेंगे, विदेशों से भी आपको लाभ दिलवाएंगे। आपके लिए कुछ बड़े निर्माण, कंस्ट्रक्शन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, आपका जो प्रोफेशन है, उन सारी चीजों को भी ये सपोर्ट देने का, एस्टेब्लिश करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी आपके 10वें भाव पे, 10th हाउस पे। और उसके बाद अप्रैल में जब गुरु भी आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, तो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके प्रोफेशन के ऊपर दृष्टि डालेंगे। ऑलरेडी वहां पर मकर में, सॉरी, चौथे भाव में मेष में राहु भी बैठे हुए हैं, तो राहु का भी प्रभाव आपके 10th हाउस पे रहेगा। तो जितने भी मकर वाले लोग हैं, आने वाला जो टाइम है ये आपके लिए, आपके व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशन, सर्विस वाला जॉब का एरिया है, वहां पर आपको काफी मजबूती दे सकते हैं, काफी अच्छे से आपको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसका आप लोग जरूर अपने अंदर विश्वास रखिए, और पूरी पूरा जो कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी मेहनत कर सकते हैं, जो कुछ भी अपने लिए रास्ते आप बना सकते हैं, उसको पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप अपना काम करना शुरू करिए। जो आने वाला टाइम पीरियड है आपके लिए, लगभग जनवरी तक तो आपको सैटर्न का भी पूरा सीधा सीधा सपोर्ट मिलेगा, गुरु भी आपको सपोर्ट दे रहे हैं, राहु का भी। तो जो तीन बड़े ग्रह हैं वो आपके व्यवसाय को, प्रोफेशन को जरूर स्थापित करेंगे, तो उस तरफ से आप लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आगे भी जो प्लैनेट्स के ट्रांजिट चेंज होंगे, तो वहां पर राहु भी जब निकलेंगे आपके अक्टूबर में, 23 में, तो वो फिर वापस आपके केंद्र त्रिकोण स्थान में जाएंगे। तो त्रिकोण से भी अच्छा रिजल्ट करते हैं राहु, तो राहु ठीक तरीके से आपके लिए इनकम वगैरह को सपोर्ट देते रहने का काम करेंगे। गुरु ऑलरेडी आपके चौथे भाव में रहेंगे, तो ये आपके प्रोफेशन में वृद्धि देने का काम करेंगे। फिर शनि भी जब आपके निकलेंगे जनवरी के महीने में, और अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाएंगे आपके 2nd हाउस में, तो वहां पर बैठ करके ये आपके धन को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके कुटुंब में वृद्धि देने का काम करेंगे। तीसरे एस्पेक्ट से आपके चौथे भाव को देखेंगे, जहां पर गुरु ऑलरेडी बैठे रहेंगे, तो आप लोगों के लिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इस तरह के इवेंट्स भी देंगे जब शनि जाएंगे आपके कुंभ में। इसी के साथ साथ आपके लिए पैतृक संपत्ति, अचानक वाले जो लाभ होते हैं, और शनि की जो
दसवीं दृष्टि रहेगी आपके इनकम के भाव पे, ग्यारहवें भाव पे जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं आने वाले टाइम में, मकर वालों को काफी जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिलेगा, या ग्रहों का आपको काफी अच्छा साथ मिलने वाला है। तो जो भी अभी तक आपके साढ़े साती की वजह से जो कुछ आपने दिक्कतें फेस की हैं, अब आप ये मान के चलिए कि आपके स्ट्रगल का जो समय था वो लगभग खत्म हो रहा है, और आपको फिर से स्टेब्लिश होने का जो है एक चांस मिल रहा है। तो आप लोग आगे बढ़िए, और मैं भी आप लोगों को यही शुभकामना दूंगी कि जितने भी मकर वाले लोग हैं, मकर राशि वाले, और लग्न वालों को भी मैं यही कहूंगी, क्योंकि देखिए साढ़े साती भले ही चंद्रमा से देखी जाती है, वो उसका तो महत्व है ही, वो अपना प्रभाव देता ही है, लेकिन लग्न से भी जो ग्रहों का गोचर होता है वो अपना इम्पैक्ट जरूर डालते हैं, क्योंकि ग्रह बहुत लग्न जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। और लग्न से भी अगर आप सैटर्न के कनेक्शन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट बाहरी दृष्टि से जो भी आपकी लाइफ होती है, जो भौतिक लाइफ होती है, जो आपके जो आप बाहर से दिखते हैं, जो बाहर से आपके अचीवमेंट्स वगैरह होती हैं, उनमें भी शनि उसी तरह का प्रभाव देते हैं जैसे वो चंद्रमा से देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर अपने चंद्रमा से देख रहे हैं साढ़े साती मान के, तो भी आपको इसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप लग्न से भी देखते हैं तो यही स्थितियां आपके लिए निर्मित हुई होंगी पिछले 5 सालों में, और आगे जो आने वाला टाइम है वो भी आपको उसी तरह से परिणाम देगा जैसे मैंने अभी आपको इस वीडियो में पहले बताया है। तो आप लोग को मैं यही कहूंगी कि आप पूरी ऊर्जा से आगे बढ़िए, और जो आपको प्लैनेट सपोर्ट देने जा रहे हैं उन सबों का फायदा लीजिए। अभी आपके लिए प्लैनेट्स काफी काफी हद तक सपोर्टिंग बन रहे हैं। मेन जो आपका राशि लॉर्ड सैटर्न था वो वक्री हुआ था, तो उसने जरूर आपको कमजोर किया था एक तरीके से, आपके अंदर एक तरीके की नेगेटिविटी, होपलेसनेस, और जो एक एंजाइटी होती है, जो आपकी इमेज होती है टोटल सोसाइटी में, उन सारी चीजों को डिस्टर्ब किया था। क्योंकि शनि आपके लग्नेश जब राशि लॉर्ड ही वक्री हो जाता है, वक्री का मतलब उसका जो काम करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा लेजीनेस आ जाना, या उसका उसका जो तरीका है, उसका जो इंटेंशन है वो सही नहीं रहता है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उसी के हिसाब से थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है। अब आपको आपके राशि लॉर्ड आपके लिए मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, तो आपको मान सम्मान, आपकी जो खोई हुई यश प्रतिष्ठा है, वो सारी चीजें आपको वापस देने का काम करेंगे। आप इसका फायदा लीजिए। और आपके निटल चार्ट में अगर ये सारे ग्रह गुरु शनि राहु अच्छे से बैठे होंगे तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। मंगल अगर आपके अच्छे से प्लेस्ड होंगे, क्योंकि ट्रांजिट तो आपको ट्रांजिट के जो ग्रह गोचर हैं वो आपको काफी हद तक सपोर्ट करने जा रहे हैं, अगर आपका नेटल चार्ट भी सपोर्ट कर देगा तो काफी संभावना है कि स्थिति आपके कंट्रोल में आ जाए। और इसी के साथ साथ ये भी है कि आपकी महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह जिस हिसाब से चल रही होगी उसका भी एक महत्व होता है, उसका भी एक प्रभाव होता है, वो सारी चीजें कंबाइंड हो करके फिर कुछ रिजल्ट आता है और कोई शेप मिलता है आपकी लाइफ को। लेकिन जो प्रेजेंट ट्रांजिट है, मकर वाले जितने भी लोग आप लोग हैं, ट्रांजिट के ग्रह आपको काफी हद तक अब जो है इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, उसका आप लोग फायदा लीजिए। और अपने सैटर्न को आप बहुत अच्छा करके रखिए, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड ही शनि है, तो शनि को आप जितना मजबूत करेंगे, मतलब कि आप अपने असेंडेंट लॉर्ड को मजबूत करेंगे, तो आपको हर तरह से शुभता वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा। शनि को आप मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हमेशा अपने नेचर में लाइए, थ्रू आउट लाइफ आप शनि के मंत्रों का जाप किया करिए, जो कि बहुत ही सिंपल मंत्र है उनका, और उसको करना भी बहुत इजी है, बहुत जल्दी से हो भी जाता है, 2-3 मिनट का टाइम लगता है अगर आप एक माला डेली करते हैं 108 बार, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसको आप जो है 108 बार कर लिया करिए। और गरीबों की मदद करिए, शनिवार को उड़द का दान आप कर सकते हैं, काली तिल का, जौ का, जो सरसों का तेल होता है डबल ऑयल, उसको आप दे सकते हैं, काले वस्त्र दे सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे यार रेमेडीज करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अपने काम को आप बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि शनि का सीधा मतलब होता है कर्म, कर्म का कारक ग्रह है, तो इसको कर्म अगर आप अच्छा करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका शनि जो है इम्प्रूव करता जाएगा। और समाज के जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो बहुत नीडी लोग होते हैं, पुअर जो पीपल होते हैं, उन लोगों की भी आप हमेशा हेल्प करिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उससे भी शनि अच्छा होता है। आप लोगों को मैं खूब शुभकामनाएं देती हूँ मकर वालों को, आप बहुत राइज करें, बहुत प्रोग्रेस करें, और
ईश्वर करे कि अब आपके लाइफ से सारे कष्टों का अंत हो और आपकी लाइफ अच्छे से स्टैब्लिश हो, यही मेरी आप लोगों को शुभकामना है। और एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूअर्स को आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। दीपावली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।